हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल लेस बनाना बताऊंगी। तो ये मैंने टू कलर में बनाई है, आप अपने चॉइस के हिसाब से वन कलर में भी बना सकते हैं। तो शुरू कैसे करना है इसको वो देख लीजिए। हमने इस रिंग से शुरू करना है इसको, और फिर ये चेन बनानी है, और इसके बाद फिर चेन बनानी है, और फिर ये दो रिंग इकट्ठे बनाने हैं, फिर ये चेन बनानी है, और फिर ये चेन बनानी है, और दो रिंग इकट्ठे बनाने हैं। तो इस तरह से आपने ही वर्क करना है। तो मोटे तौर पर दो चेन दो रिंग, दो चेन दो रिंग, इस तरह से ये बनेंगे। तो अगर आपने बुक मार्क बनाना है तो इस तरह से आपने इसको तैयार करना है, कोई पिको नहीं देना। ये मैंने वीडियो, ये ट्यूटोरियल आपको पहले भी दिया हुआ है, वीडियो नंबर 53 में। तो उसमें मैंने नीडल टैटिंग करके बताई थी और ये वाला आपको पैटर्न बताया था, लेकिन रिक्वेस्ट पे मैंने ये अब ये वीडियो बनाई है। ज्वेलरी बनानी है तो आप इसी तरह बिना पिको के आप इसको रेडी करेंगी। तो ये देखिए, रिंग की आउटर साइड पे मैंने एक एक बीट दिया है, बिल्कुल इस मेजरमेंट का हाफ करके। तो इस तरह से आप ये ब्रेसलेट भी बना सकती हैं, और चाहे तो इस तरह से टू कलर लेस बना लीजिए, बुक मार्क बना लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक रिंग से हमने शुरू करना है, तो मैं अब एक कलर में और साथ में पिको डाल के लेस के तौर पे मैं आपको इसको शुरू करके बताती हूँ। तो देखिए, इसमें हम पहले एक रिंग बनाएंगे, सिक्स पिको, सिक्स डबल स्टिचेस पिको और सिक्स डबल स्टिचेस, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और एक पिको, फिर सिक्स डबल स्टिचेस, टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। तो देखिए ये रिंग बन गया। अब इसको रिवर्स करेंगे और यहाँ पे एक चेन बनाएंगे। तो चेन के लिए हम यहाँ पे सेवन डबल स्टिचेस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, देखिए सेवन डबल स्टिचेस लेके एक पिको, और फिर सेवन डबल स्टिचेस, अब देखिए सेवन डबल स्टिचेस पिको, सेवन डबल स्टिचेस, फिर एक पिको और सिक्स डबल स्टिचेस लेके ये चेन कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये इस तरह से ये चेन कंप्लीट होगी। अब हमें यहाँ से रिवर्स वर्क करके, पहले तो इसे यहाँ इस चेन को इस रिंग के पिको से ज्वाइन कर देना है। और फिर यहाँ से दोबारा चेन बनानी है। स्टार्टिंग के वक्त हमने एक रिंग से शुरुआत करनी है, अदरवाइज़ पूरी लेस में हमने टू चेन टू रिंग, टू चेन टू रिंग, टू चेन टू रिंग, इस तरह से वर्क करना है। तो स्टार्ट हमने जैसे एक रिंग से की है, ताकि यहाँ पे इक्वल सिमेट्री बनी रहे, इसलिए। तो एक और बात ध्यान दीजिए कि मैंने यहाँ पे पिको दिए हैं, क्योंकि मैं लेस बना रही हूँ, ताकि अटैच करने के लिए हमें पिको तो चाहिए, इसलिए यहाँ मैं पिको दे रही हूँ। अदरवाइज़ आपने ज्वेलरी या बुक मार्क बनाना है, तो जहाँ पे मैंने सेवन डबल स्टिचेस पिको सेवन डबल स्टिचेस दिया है, वहाँ आपने सिंपली फोर्टीन डबल स्टिचेस ले लेने हैं, ये वाला पिको और सिक्स डबल स्टिचेस एज इट इज़ रहेंगे। तो जहाँ जहाँ भी हमने सेवन पिको सेवन करना है, वहाँ आपने फोर्टीन कर देना है सिंपली। तो देखिए अब नेक्स्ट चेन बनानी है, तो सेवन डबल स्टिचेस,
फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन डबल स्टिचेस, पिको, पिको, फिर सेवन डबल स्टिचेस, देखिए सेवन डबल स्टिचेस पिको, सेवन डबल स्टिचेस, इसके बाद फिर पिको और सिक्स डबल स्टिचेस लेके ये चेन भी कंप्लीट कर देते हैं। सिक्स इस तरह से, ये देखिए। अब यहाँ पे फिर रिवर्स वर्क करेंगे हम और अब रिंग बनाएंगे। रिंग बना के हमने यहाँ इस पॉइंट पे पिछले वाले रिंग से इसको अटैच करना है, तो चेन चेन से अटैच होगी और रिंग जो भी अटैच करना है हमने वो रिंग से अटैच होगा। तो सिक्स डबल स्टिचेस लेके वहाँ पे जॉइन करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ये देखिए सिक्स डबल स्टिचेस लिए। और ये रिंग का जो पिको है, देखिए ये रिंग का जो पिको है वहीं से हमने यहाँ अटैच करना है। देखिए ये, देखिए ये रिंग का पिको है, यहीं पे हमने इसको अटैच करना है इस तरह से। रिंग के पिको से ऐसे क्रोशे हुक पास करके ये हमने यहाँ पे ऐसे अटैच कर देना है। थोड़े से पिको आप रिंग के थोड़े बड़े रख लें ताकि कोई परेशानी ना हो अटैच करते हुए। देखिए इसके बाद फिर सिक्स डबल स्टिचेस, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, और ये रिंग कंप्लीट कर देते हैं। देखिए इस तरह ये रिंग कंप्लीट हो गया। अब दूसरा रिंग जो है इसी के साथ बनाना है और ज्वाइन नहीं करना कहीं से, मेजरमेंट सेम ही रहेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पिको, और फिर सिक्स डबल स्टिचेस लेके रिंग कंप्लीट कर देते हैं। तो देखिए ये सेकंड रिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ये दो रिंग इकट्ठे बनाए हमने, फिर हम रिवर्स वर्क करेंगे और यहाँ पे अब हम चेन बनाएंगे। सेवन डबल स्टिचेस पिको, सेवन डबल स्टिचेस पिको, सिक्स डबल स्टिचेस लेके चेन बनानी है। तो देखिए इस तरह से ये चेन कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे अब हम रिवर्स वर्क करेंगे दूसरी चेन बनाने के लिए। और यहाँ जो सेकंड रिंग हमने बनाया था वहाँ से हमने इस चेन को ऐसे अटैच कर देना है। और तो सेकंड रिंग के बाद, चेन बनाने के बाद जो दूसरी चेन हम बनाते हैं वो हमने पिछली चेन से जॉइन भी करनी है साथ में साथ। तो उसके लिए अब जैसे कि यहाँ पे सिक्स डबल स्टिचेस यहाँ पे हैं, सेवन सेवन और सिक्स, तो यहाँ हमने सिक्स से शुरुआत करनी है, वन टू थ्री फोर फाइव
एंड सिक्स। देखिए इस तरह से सिक्स डबल स्टिचेस लेके हमने वो चेन से हमने इसको ज्वाइन कर देना है। देखिए देखिए ऐसे ज्वाइन करने के बाद अब बाकी के हमने सेवन डबल स्टिचेस पिको सेवन डबल स्टिचेस लेके चेन कंप्लीट करनी है। और वहीं अगर आप ज्वेलरी बना रहे हैं तो सीधा 14 डबल स्टिचेस आपने दे देने हैं। सिक्स डबल स्टिचेस के बाद जो भी हम पिको लेंगे वो तो ज्वाइनिंग के लिए होगा और बाकी के ये जो पिको हैं हम नीचे दे रहे हैं ये हमने लेस ज्वाइन करने के दे रहे हैं, तो इसलिए ये पिको थोड़े छोटे रखने हैं। अब इसके बाद सेवन डबल स्टिचेस, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, फिर पिको और सेवन डबल स्टिचेस लेके ये चेन कंप्लीट। देखिए चेन कंप्लीट हो गई यहाँ पे। अब रिवर्स वर्क करेंगे और यहाँ पे अब हम रिंग बनाएंगे जिसे हमने ये पिछले वाले रिंग से ज्वाइन कर देना है। सिक्स डबल स्टिचेस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स डबल स्टिचेस लेके हमने यहाँ इस पिछले रिंग के पिको से ही हमने इसको ज्वाइन करना है यहाँ पे। ऐसे और फिर सिक्स डबल स्टिचेस लेके रिंग कंप्लीट कर देना है। थ्री फोर फाइव सिक्स। तो देखिए अब फिर हम यहाँ से रिंग बनाएंगे एक। सिक्स डबल स्टिचेस पिको, सिक्स डबल स्टिचेस। और सिक्स डबल स्टिचेस। देखिए ये सेकंड रिंग बन गया। अब रिवर्स वर्क करेंगे और यहाँ से अब हम चेन बनाएंगे। ये चेन कंप्लीट हो गई है। अब इसे रिवर्स करेंगे और इस दूसरे वाले रिंग से हमने इसको ज्वाइन करना है। इस तरह से हमने पिको से इसको चेन वाले थ्रेड से ज्वाइन कर देना है और फिर नेक्स्ट हमने चेन बनानी है और सिक्स डबल स्टिचेस लेके हमने यहाँ पीछे वाली चेन से इसको ज्वाइन करना है। पहले वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स और यहाँ पे हमने पीछे वाली चेन से इसको ज्वाइन कर देना है। इस तरह ज्वाइन करने के बाद यहाँ फिर हमने सेवन डबल स्टिचेस लेने हैं। टू थ्री फोर
फाइव सिक्स सेवन पिको और सेवन डबल स्टिचेस लेके फिर इसको चेन को कंप्लीट कर देना है, फोर फाइव एंड सिक्स सेवन। देखिए देखिए इस तरह से ये आ गई, और इसको यहाँ से रिवर्स करेंगे और फिर हम यहाँ पे रिंग बनाएंगे जो ये पिछले वाले रिंग के पिको से ज्वाइन होगा। तो इसी तरह ये लेस बनती जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम इस पोजीशन पे हैं, ये चेन हमने बनाई है, ये देखिए ये वाली। तो इसके बाद हमने ये रिंग बनाने हैं दो, पहला रिंग पिछले वाले रिंग से ज्वाइन होगा यहाँ पे, और फिर दूसरा रिंग सेपरेट बना के फिर चेन बना के और इससे ज्वाइन करेंगे, फिर एक और चेन, फिर एक और चेन, फिर दो रिंग, फिर चेन चेन रिंग रिंग। इस तरह से आप ये कंप्लीट कर लें और बहुत इजी है। तो ये ट्यूटोरियल पहले मैंने नीडल टैटिंग में बनाया था, 53 वीडियो में आप देख सकते हैं। और अगर आप टू कलर से बनाना चाहते हैं तो रिंग एक कलर से और चेन का वर्क एक कलर से करते जाइए, और थ्रेड का कलर बदलना आपको अच्छे से आता होगा। जिनको शटल चलाना आता है वो तो ये आसानी से कर लेंगे, और जिनको नहीं भी आता तो वो शटल टैटिंग की बेसिक वीडियोस आप देखिए, बहुत क्लियरली मैंने वहाँ समझाया है, आपको समझ में आ जाएगा और शटल भी चलाना आ जाएगा थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद। और ये मैंने नीडल से बनाया था, तो इसी तरह आप ये बना सकती हैं। ज्वेलरी बनानी है तो पिकेट मत दीजिए इसमें, और अगर लेस बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप ये ऊपर नीचे इस तरह पिको दे सकते हैं और इस तरह से आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये अच्छे समझ में आ गया होगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।